नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कौशाम्बी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। झोपड़ी में सो रहे दो मासूम बच्चे जिंदा जल गए हैं, जबकि मासूमों के बचाव करने में उसका मामा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के सलावी गांव का है। जानकारी के मुताबिक अपने मायके में रहकर अपने बच्चों का पेट पाल रही मां और बेटे खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे। बीती रात अचानक खेत में नीलगाय के आने की आहट पाकर अपनी फसल बचाने के लिए मां और मासूम का मामा झोपड़ी से निकलकर फसल देखने खेतों की तरफ चले गए। इसी दौरान अलाव की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई। जब तक माँ और उसका मामा बचाव के लिए मौके पर पहुँचते, तब तक वासिर 8 साल और गुफरान, जिसकी उम्र 6 साल थी, उनके जलने से मौत हो गई। वहीं बचाव में मामा वाहिद भी गंभीर रूप से झुलस जाता है। कोखराज पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच करने पहुंचे सिराथू एसडीएम शिव नारायण मिश्रा अब पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा के तहत प्रधानमंत्री आवास और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस घटना में जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है वो ये है कि अफसरों को लोगों की गरीबी का एहसास हादसे के बाद ही क्यों होता है। बिना छत के झोपड़ी में रहने वाला यह गरीब परिवार सरकार के हर महत्वाकांक्षी योजनाओं से अब तक क्यों महरूम रहा, इस बात का जवाब आना भी बाकी है। जो जिस तरह से घटना हुई है वो एक दैवीय आपदा के क्रम में आएगी। उसके तहत बच्चे को जो है एक बच्चे को 4 लाख रुपए सरकारी सहायता शासन के द्वारा दिया जाती है, उसका यहाँ से फॉर्मेलिटी करवा के हम लोग दिलवाएंगे। दूसरा, क्योंकि परिवार गरीबी रेखा के नीचे है तो उसके लिए आवास की भी व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है खंड विकास अधिकारी से कहके करवाई जाएगी, और जो भी राशन की व्यवस्था है छोटे दास के राशन की व्यवस्था।